उधर रायगढ़ के अंदर मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर रायगढ़ स्टेशन के पास आउटर में दो मालगाड़ियों में भिड़ंत हो गई है और दुर्घटना में मालगाड़ियों के कई डिब्बों से पटरी पर उतरते हुए नजर आए। वहीं बिलासपुर रायगढ़ तीसरी लाइन के अलावा विद्युत पोल पर भी क्षतिग्रस्त होते हुए नजर आए और जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे रेलवे की टीम सुधार कार्य में जुट गई। जानकारी के अनुसार रायगढ़ रेलवे स्टेशन के पास कोतरा रोड पर सिग्नल के पास मालगाड़ी खड़ी हुई थी और इस दौरान भूपदेवपुर की ओर से आई दूसरी मालगाड़ी खड़ी मालगाड़ी में आकर टकरा गई। बताया यह भी जा रहा है कि टेक्निकल खराबी के कारण यह घटना घटित हुई है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और बिलासपुर के डीआरएम आलोक सहाय मौके पर घटना का जायजा लेने के लिए पहुंचे और रेलवे टीम इस घटना के रेल डब्बों को रेल लाइन पर लाने और विद्युत पोल सहित लाइन को सुधारने का काम करती हुई नजर आ रही है। दो मालगाड़ियों के बीच में ये रायगढ़ की खबर है जहां पर भिड़ंत की सूचना मिली है और आउटर में ये मालगाड़ियां आपस में भिड़ती हुई नजर आई। टेक्निकल फॉल्ट इसको बताया जा रहा है, टेक्निकल खराबी की वजह से ये घटना घटित हुई है। इसके बाद डीआरएम खुद वहां पर पहुंचे, मौके का जायजा लेते हुए नजर आए कि आखिर ये जो टेक्निकल फॉल्ट है ये हुआ किस तरीके से है और आगे की कार्रवाई की जा रही और जो सुचारू रूप से प्रक्रिया चलनी चाहिए उसको चालू करने के लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कैसे डिरेल हुआ अभी पता नहीं चले आया हम लोगों को, लेकिन जो पीछे जो दो मल्टी लोको था उसमें किसी कारणवश उसका ब्रेक रिलीज हुआ है जिसकी जांच की जाएगी और उसके कारण वो अनियंत्रित हो गया।